हेलो फ्रेंड्स और खुलम का दौर रॉक, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो पे। मेरा नाम है राजेश पासवान और आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है उन लोगों को जिन्हें हिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि आज थोड़ी वीडियो ऐसी है जिसमें हमें त्रिपुरा की हिस्ट्री के बारे में जो है मालूम पड़ेगा। सो इसके अगर मैं टाइटल की बात करूँ तो हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा, इतिहास त्रिपुरा की, त्रिपुरी बोडो और दिमासा एक ही जाति का है। ओके, तो ये इसके पूरे टाइटल में लिखा हुआ है और ये आपको ओरिजिनल वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल कोकतवामा कॉक हिंदी न्यूज़ एजेंसी त्रिपुरा, ये उस यूट्यूब चैनल का नाम है जहाँ पर ये ओरिजिनली ये वीडियो है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगा। ओके, सो आज हम जानने वाले हैं त्रिपुरा की हिस्ट्री के बारे में। सो ये भी मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये कुछ नई तरह की इन्फॉर्मेशन मुझे आज मिलने वाली है, या फिर मैं कह सकता हूँ नॉलेज या जीके, कुछ भी कह लो। सो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वही सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, ताकि हमारी ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से हम पहुंचाते रहे। अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं, क्योंकि मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ त्रिपुरा के बारे में जानने के लिए कि क्या है त्रिपुरा की हिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, 1 2 3। त्रिपुरा की ऐतिहासिक किस्से कहानियों के बारे में आप लोगों ने शायद बहुत कुछ सुना होगा। भारत की बहुत सारे ऐतिहासिकों ने त्रिपुरा के इतिहास के बारे में बहुत कुछ लिखा है, कहा है। तो दोस्तों आइए त्रिपुरा के इतिहास के बारे में ऐतिहासिकों का क्या कहना है ये जानते हैं। इस बहुसंख्यक लोगों की एक हिस्सा बोरो दिमासा जाति के नाम से जाने जाते हैं। बोरो जाति के एक हिस्सा गंगा शीतलक्ष्मी ब्रह्मपुत्र में अपना स्थायी घर बसाया था। ओके। फिर धीरे धीरे ये लोग आसाम से होके वर्तमान के त्रिपुरा राज्य में आए थे, जो कि बांग्लादेश की चीटागंग हिल ट्रेक में भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों आपने राजवांग ग्रंथ के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, राजवांग एक त्रिपुरा की प्राचीन इतिहास की ग्रंथ है। इस ग्रंथ में त्रिपुरा को खुर्तन एवं पाटिकारा नाम से जाना जाता है। और दोस्तों मणिपुर राज्य की इतिहास ग्रंथ में तकलेंग नाम से जाना जाता है। और दोस्तों भारत की प्राचीन इतिहास के लेखकों ने त्रिपुरा को जाजीनगर या जाजनगर नाम से नवाजा है। जाजनगर मैंने सुना है। अंग्रेजों ने टिपेरा एवं पुर्तगीजों ने टिपुरा नाम से नवाजा था। दोस्तों त्रिपुरा के प्राचीन महाराजा फा उपाधि धारण करते थे। रत्नफा के शासनकाल से त्रिपुरा की राजाओं ने माणिक्य उपाधि धारण किया था, जो कि दोस्तों अभी 2021 में प्रद्युत किशोर माणिक्य भी उन्हीं की वंशज है। ओके, सो ये महाराजा हंतफा बीरराज 585 साल में सिंहासन में बैठे थे। महाराजा हंतफा एक शक्तिशाली और प्रभावशाली प्रजा प्रेमी राजा हुआ करते थे। महाराजा हंतफा के शासनकाल में ही चट्टग्राम में एवं पार्वत्य चट्टग्राम में कृषि कार्य का शुरू हुआ था। चिटागांग डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर में उल्लेख है, किंग बीरा राजा ऑफ त्रिपुरा वाज द फाउंडर ऑफ चिटागांग हिल ट्रैक्स इन 590। महाराजा ने 590 साल में बंगदेश में विजय हासिल की थी, साथ ही साथ अराकांग राज्य भी जय किया था। महाराजा हंतफा के शासनकाल में त्रिपुरा प्रसारित हुआ था। त्रिपुरा जाति के आजाद आखिरी राजा बीर विक्रम किशोर माणिक्य 1923 साल में सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में ही सिंहासन संभाला था। वे त्रिपुरा के आखिरी आजाद राजा थे। महाराजा बीर विक्रम किशोर माणिक्य के अन्यतम काम में से एक है वर्षाकाल में सपनोपरी राजमहल का निर्माण, जिसका नाम नीरमहल है। ओके, ये नीरमहल है। 1930 साल के 15 मार्च जमींदारी ठाकरा रसूनाबाद में वाणिज्य नगरी कुमिल्ला को तत्कालीन त्रिपुरा जिला बनाया था महाराजा बीर विक्रम किशोर माणिक्य ने। वे पहले वो राजा थे जो जनसम्मुख सबके सामने कुमिल्ला वासियों की तकलीफ को सुनते थे और उनके समाधान भी करते थे। महाराजा ने जन कल्याण के कार्य में भी बहुसंख्या में आर्थिक सहायता करते थे।
दोस्तों, आजाद त्रिपुरा के महान राजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य के अकाल मृत्यु के बाद महारानी कांचन प्रभा देवी त्रिपुरा की गद्दी संभाली थी। ये वो वक्त था जब भारतवर्ष से अंग्रेज जाने वाले थे। महाराजा की अकाल मृत्यु त्रिपुरा राज्य को एक संकटमय परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया था। महाराजा के बड़े बेटे किरीट विक्रम एक छोटे बालक थे, जिस कारण महारानी को दायित्व लेना पड़ा पूरी त्रिपुरा राज्य की। भारत के साथ 1949 में एक संधि किया गया, जिस संधि के बाद त्रिपुरा राज्य को भारत वर्ष का एक हिस्सा बनाया गया, जहां त्रिपुरा राज्य की आजादी सौंप दी गई भारत वर्ष को। त्रिपुरा की ऐतिहासिक कहानी जितनी रोमांचक है उतनी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सबको त्रिपुरा के इतिहास के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा होगा और खुशी हुई होगी। दोस्तों, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आप सबकी राय का इंतजार बेसब्री से हमें रहेगा। बहुत अच्छी नॉलेज थी और बहुत सारी मतलब त्रिपुरा के सभी मेन इवेंट्स जो है बहुत अच्छे से इन्होंने कवर कर लिए। और जो लेडी मतलब जिन्होंने अपनी वॉइस दी है उनकी हिंदी काफ़ी अच्छी है। सही में बड़े शुद्ध हिंदी शब्द वो यूज़ कर रहे थे। और जो महल है नीर महल, सही में यार बड़ा खूबसूरत सा महल है, बड़ा ग्रैंड, बड़ा सा। कभी मैं त्रिपुरा गया तो इस महल को तो मैं ज़रूर विज़िट करूँगा। और अभी जो पिछली एक वीडियो करी है त्रिपुरा की, उसमें भी मतलब उस सॉन्ग के भी कुछ क्लिप्स इसी वो महल से थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा आई बटन पे। और बाकी वो जो उन्होंने लास्ट में जो है बताया कि त्रिपुरा इंडिया का पार्ट कैसे बना, तो वो मैंने हल्का सा था पढ़ा कहीं पर कोई नहीं, मेरे को दोबारा से हो गया रिवाइज। और ओवरऑल मुझे वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी, बहुत अच्छे से इन्होंने जो है पूरी वीडियो को ख़त्म कर दिया। ऑब्वियसली बात है, सिर्फ हिस्ट्री सिर्फ इतनी तो नहीं होगी, हिस्ट्री बहुत ज़्यादा डीप में होगी और ज़्यादा कुछ बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होंगे जो इस वीडियो में कवर नहीं किए गए। सो वो तो ठीक है, मतलब इतनी छोटी वीडियो में भी उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। बाकी आप कमेंट सेक्शन में जो है बताना कि आपको ये वीडियो जो कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि इस वीडियो में कौन सा इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको पता है जो इस वीडियो में होना चाहिए पर नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो होंगे वो एक वीडियो में तो कवर करना बहुत मुश्किल है, वरना वीडियो कई घंटों की बन जाएगी। सो अभी तक मैंने जितनी वीडियो देखी है उससे तो मुझे यही लगा कि वीडियो काफ़ी ठीक थी। सभी जो है शुरुआत से लेके और जब वो इंडिया का पार्ट बना त्रिपुरा, तब तक का सारे हिस्ट्री को जो है मतलब एकदम कितने मिनट की वीडियो थी, चार पाँच वीडियो की, तो बिल्कुल सही तरह का से उन्होंने जो है पूरा जो है कवर कर दिया एकदम ऐसे, मतलब जो है ना क्या बोलते हैं, छोटे में सारा का सारा जो है मतलब छोटी वीडियो में उन्होंने काफ़ी कुछ जो है ये वो बता दिया, तो बड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी। बाकी आप बताइए कि आपके हिसाब से कौन से इसमें फैक्ट होने चाहिए थे जो नहीं है इसमें। ठीक है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर अपने जो व्यूज़ हैं वो शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर किसी को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता है तो मैं जो है कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ूंगा ताकि मुझे भी थोड़ी और जो मतलब इन्फॉर्मेशन मिले। बाकी हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।